Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आज आपको पता था कि HP टेट मेडिकल का जो एग्ज़ाम था, तो उसका जो करंट अफेयर्स एंड जो भी जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है, वो आज आपके साथ उसके आंसर की मैं शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, 121वां, भारत की स्थलीय सीमा किस देश से नहीं लगती। सो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था दोस्तों, श्रीलंका, इसका राइट आंसर था फर्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, भारत का 29वां राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया। तो ये काफ़ी आसान सवाल था, तो इसका आंसर डी था दोस्तों। सो इसका आंसर डी 2014 था। एंड जो नेक्स्ट सवाल था, 123वां, अंडेमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही था, 10° चैनल। एंड जो नेक्स्ट सवाल था, सूर्य की किरणों को धरती पर पहुँचने में कितना समय लगता है। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल था, तो इसका आंसर सी, 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स। तो इसका ऑप्शन सी आंसर राइट था। जो नेक्स्ट सवाल था, हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त सभ्यता के अवशेष रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार किस ईसा पूर्व से संबंधित है। सो 125वें का ए ऑप्शन, 2350 ईस्वी इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट सवाल आपके पास है, कपिल मुनि ने किस शास्त्र की रचना की। तो इसका ऑप्शन सी चौथा सांख्य इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट सवाल जो आपके पास है, 1857 के विद्रोह को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है, वीर सावरकर इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। एंड जो नेक्स्ट सवाल है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सो काफ़ी ईजी सवाल था, सो इसका ऑप्शन बी कांगड़ा है। एंड तो कांगड़ा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास है। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था। तो चकली का जो इसका आंसर है वो राइट ए है, चंबा इसका राइट आंसर है। एंड इसके थोड़े नाम से मिलता जुलता है। एंड नेक्स्ट सवाल 123वां है, भारत हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना। सो इसका राइट आंसर है 25 जनवरी 1971। सो काफ़ी आसान सवाल पूछे गए थे इसमें, सो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर था। एंड नेक्स्ट सवाल था, पत्थर का खेल खेला जाता है। सो इसका राइट आंसर ए था, हेलोंग में। सो इसका राइट आंसर हेलोंग था। एंड नेक्स्ट सवाल था, सो कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। सो काफ़ी इजी सवाल था, इसका फर्स्ट आंसर था ए, गुजरात। एंड नेक्स्ट सवाल था, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है। सो ये भी गुजरात में है, तो ये भी काफ़ी ईजी था। सो इसका ऑप्शन बी गुजरात राइट आंसर था। एंड जो नेक्स्ट सवाल था, बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे। सो बिलासपुर रियासत के संस्थापक राजा वीरचंद थे, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर था। एंड नेक्स्ट सवाल था, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन बी 55673 वर्ग किलोमीटर है। एंड नेक्स्ट सवाल था, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई। तो इसका ऑप्शन बी 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू हुई, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। एंड 137वां सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिल्स ऑफ द ऊना डिस्ट्रिक्ट। जो ऊना की पहाड़ियां हैं उसका क्या नाम है। सो ये शिवालिक के नाम से प्रसिद्ध है। एंड कौन सा सवाल था, तो इसका ऑप्शन बी शिवालिक राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट जो सवाल था, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सतलुज नदी था। एंड नेक्स्ट सवाल हमारे पास था, भारतीय संसद पर उग्रवादी हमला कब हुआ। सो इसका राइट आंसर था सी, 13 दिसंबर 2001 को भारत की जो संसद थी उसके ऊपर हमला हुआ था। एंड जो नेक्स्ट सवाल था, इसरो ने चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया था। सो इसरो ने 22 जुलाई 2019 को अपना जो चंद्रयान 2 है वो लॉन्च किया था। एंड जो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, चूर चांदनी क्या है। तो चूर चांदनी एक मेले का नाम है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। एंड एक अगला सवाल जो है, लीरा किस देश की मुद्रा है। सो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि लीरा जो है टर्की की करेंसी है और कंट्रीज की है, लेकिन इनमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसी भी कंट्री की लीरा करेंसी नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो इसका आप सभी को एक मार्क्स मेरे ख्याल से ऐसे ही मिल जाएगा। सो नेक्स्ट सवाल है, विश्व प्रकृति दिवस वर्ल्ड नेचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी,
तो दोस्तों वर्ल्ड नेचर डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 जुलाई को, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता तो उसका 5 जून आंसर होना था, तो उसका क्लियर आंसर नहीं है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड जो नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर डी राजीव कुमार, बिल्कुल सही आंसर है। सो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एंड जो नेक्स्ट सवाल है, किस जिले में एम्स का निर्माण होने जा रहा है, सो इसका ऑप्शन सी बिलासपुर में जो एम्स का है उसका निर्माण किया जाने वाला है। एंड नेक्स्ट सवाल है, ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली कौन था, सो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन चरणजीत सिंह राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट 147वें सवाल है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं, सो इसका आंसर सी सोलन इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट सवाल है, रावी नदी को किस सांस्कृतिक नाम से जाना जाता है, सो ऑप्शन ए इरावती। सो काफ़ी आसान सवाल पूछे गए थे। एंड नेक्स्ट सवाल था, कामरूनाग झील मंडी के कौन सी तहसील में स्थित है, सो ये चेयूट, आंसर सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट सवाल था, कालका शिमला रेल ट्रैक में कितनी सुरंगें हैं, सो 103 सुरंगें हैं, तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही है। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर कोई भी मिस्टेक वगैरह होती है तो कमेंट के थ्रू आपको बता दी जाएगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस।